नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वर्ष आप लोगों के लिए खुशियों से भरा हो और आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो का आगाज़ करता हूँ। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न, सरकार ने कोकोनट हस्क का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया है? तो दोस्तों, इसके पहले कोकोनट हस्क का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 7,000 था, अब ये बढ़ाकर सरकार ने 9,000 कर दिया है। दोस्तों, अभी हाल ही में जैव विविधता परिषद ने जैव विविधता की 6वीं रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने 12 लक्ष्य का निर्धारण किया है। इस प्रकार जैव विविधता लक्ष्य का निर्धारण जैव विविधता परिषद करती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा वर्ष 2018 में T20 कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो आईसीसी ने जो T20 का कप्तान है वो भारत की हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया है, और जो वनडे टीम की जो कप्तान है वो सूजी बेट्स, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों, बांग्लादेश में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, जिसमें जो शेख हसीना है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगी बांग्लादेश की, और उनकी जो पार्टी है वो आवामी लीग है। दोस्तों, आवामी लीग अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अब नई प्रधानमंत्री शेख हसीना बनने जा रही हैं, जो कि तीसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों, दांडी यात्रा जो है वो महात्मा गांधी जी से संबंधित है, और इस प्रदर्शनी में उनके द्वारा विभिन्न गतिविधियों से संबंधित वस्तुओं को डिस्प्ले किया गया, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों, आईसीसी ने जो वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए जिस खिलाड़ी का नाम चयनित किया है वो भारत की स्मृति मंदाना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार बेहतर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने वाला शहर है? तो दोस्तों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हैदराबाद शहर है। इसमें भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? दोस्तों, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त अभी नए नए अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम सुधीर भार्गव है। दोस्तों, 4 नए आयुक्त जो हैं उनके नाम हैं, यश वर्धन कुमार, वनजा एन शर्मा, सुरेश चंद्रा और नीरज कुमार गुप्ता। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी केंद्रीय सूचना आयोग, जिसका गठन 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। और दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI का गठन 12 अक्टूबर 2005 को हुआ, सेम डेट में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 2019 के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है आनंदिता नियोगी अनाम, जो कि एक कथक नृत्यांगना है, और यह पुरस्कार कथक के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अंडमान निकोबार स्थित हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? दोस्तों, अंडमान निकोबार के दो अन्य द्वीपों के भी नाम बदल गए हैं, तो जो हैवलॉक द्वीप का नया नाम होगा वो स्वराज द्वीप, और जो रॉस द्वीप का नया नाम होगा वो नेताजी सुभाष द्वीप, और दोस्तों जो नील द्वीप का नया नाम होगा वो शहीद द्वीप। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच फॉर